जनपद रायबरेली थाना गदागंज में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि किसी भी घटना की आई हुई तहरीर को थाना प्रभारी द्वारा अपने हिसाब से लिखाकर मुकदमा लिखने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही मामला प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार का है, जो चारूहार बीक के स्कूल में टीचर हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, जिसकी सूचना पीआरबी 112 को देने की बाद अपनी तहरीर में लिखते हुए पूरे मामले की जानकारी दी जाती है, जिससे थाना प्रभारी गदागंज द्वारा ये कहते हुए चेंज करा दिया जाता है कि अगर कानूनी कार्रवाई चाहते हो तो पीआरबी के बारे में जो आपने लिखा है उसको अपनी लिखी हुई तहरीर से हटा दो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा लिखो। प्रधानाध्यापक मजबूर होकर अपनी तहरीर को बदल देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वहीं सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों थाना प्रभारी गदागंज आई हुई तहरीर को अपने हिसाब से चेंज कराकर मुकदमा लिखाते हैं। आइए देखते हैं रायबरेली से आलम कादरी की रिपोर्ट। नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार। क्या मामला हुआ है? प्राथमिक विद्यालय चरहार बीक में जी सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं जी। मैं अपने कार्यक्षेत्र से अपने घर जा रहा था जी। रास्ते में 12 चौराहे पे जो है जी, मैं अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए रुका जी। वहाँ पे एक नशेड़ी व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र उर्फ रामहर्ष है जी जी, वो मैं उसको पहले से जानता नहीं था जी। वो वहाँ पर गाली गलौज करते हुए आया, किसी से गाली हो रही थी जी। मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया जी। और उसके बाद मुझे ही भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उसने धमकी भी दी, जो करना है कर लो जाके, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता जी। किसी को सूचना दी थे? हाँ, 112 पे मैंने कॉल की थी, वहाँ पे पीवीआर वैन पहुँची थी और उन्होंने मामला देखा। उस समय जिसने मुझे धक्का दिया या चोट पहुंचाई वो वहां पर उपस्थित था जी। वो वहां से चला गया और मुझे बताया गया कि आप इसकी तहरीर जो है गदागंज थाने में देखिए।